सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे इंजीनियर से मिलवाने जा रहे हैं जो न केवल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिन्होंने अपने बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि बतौर प्रोफेसर वो भविष्य के जो युवा हैं उनको भी एक नए तरह से गढ़ने की कोशिश में लगे हैं। नवाचार, इनोवेशन और इन्वेंशंस में उनकी एक महती भूमिका है, और साथ ही दुनिया भर के लिए जो विषय चिंता का सबब बने हुए हैं उनमें भी उनका दखल एक साइंटिस्ट के तौर पर है, और वो लगातार उसमें परिवर्तनकारी भूमिका अदा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर भरत राज सिंह की, जो इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के उत्तर प्रदेश के चैप्टर के आप प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही SMS इंस्टीट्यूट जो है उसमें आप डायरेक्टर जनरल हैं। बहुत बहुत स्वागत है भरत जी, और आप लगातार कई तरह से कई भूमिकाएं आप अदा कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आपकी भूमिका और व्यापक हुई है, सेवानिवृत्ति के बाद लोग आराम करते हैं, लेकिन एक इंजीनियर की भूमिका कितनी व्यापक हो सकती है आपके रूप में देखा जा सकता है? देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, या केवल कंस्ट्रक्शंस में ही इंजीनियर का योगदान है? आप इंजीनियर को कैसे समझते हैं? देखिए, समाज के उत्थान के लिए अगर देखा जाए तो इस धरती पर इंजीनियर्स का बहुत ही अधिक रोल है, और वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो जब अपना अगर दायित्व तो समझ लेता है जिस समय, तो वो समाज सेवा के भाव से लग जाता है, और वो भाव उसके अंदर आते ही वो ये भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं और किस समय तक करना है, उसको जानकारी है। उसका केवल एक उद्देश्य ये बनता है कि हम इसको राष्ट्र हित में कितना आगे बढ़ करके काम करें, जिससे कि आने वाली जनरेशन या जो वर्तमान में जनरेशन है उसको अधिक से अधिक फायदा पहुंचे। भरत जी, चूँकि आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें भी इस इंस्टीट्यूशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके स्वरूप को बनाने में, या शिक्षा का प्रारूप क्या हो और या शिक्षा के बाद जो सेवा है उसमें भी इंजीनियर्स की भूमिका किस तरह की हो उसके स्वरूप को गढ़ने में इस इंस्टीट्यूशन की भूमिका है। आप इसमें कैसे काम कर रहे हैं और ये संस्था आगे क्या विजन लेके चल रही है? देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ये भारतवर्ष आज़ाद हुआ उसके पहले से ही गठित है, और ये 1921 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, और 1935 में इसको चार्टर, रॉयल चार्टर मिला हुआ है। ये एक विशेष तरीके के इंजीनियरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देता है, और इसमें जितने भी इंजीनियरिंग के स्किल वाले लोग रहते हैं, चाहे डिप्लोमा धारक हों या साइंस ग्रेजुएट्स हों, वो उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो कहीं ना कहीं सेवारत हैं वो अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों अगर ये पास आउट कर लेते हैं तो वो पूर्णतः इंजीनियरिंग में आगे बढ़ करके वो उस क्षेत्र में अधिक सेवा कर सकते हैं। तो इसको हमारे ख्याल से उस समय के सरकार, जो हम उस समय की सरकार ने ये सोचा कि इंजीनियरिंग में एक स्किल की बहुत ज़रूरत है, शिक्षा के साथ साथ स्किल की बहुत ज़रूरत है, तो वो स्किल के साथ साथ अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये संस्थान, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, हर एक को अपग्रेडेशन की तरफ ले जाता है, जबकि वर्तमान जो शिक्षण प्रणाली इंजीनियरिंग की है उसमें दोनों बातें चलती हैं। वो एक नॉर्मल बच्चा 10+2 के बाद आता है तो उसको बेसिक नॉलेज साइंस का ही रहता है, अप्लाइड साइंस उसको पढ़ाया जाता है, उसके बाद इंजीनियरिंग के एरिया जिस डिसिप्लिन पर वो जाना वो लेता है अपना सब्जेक्ट उसको ऑप्ट करता है, उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है और 4 साल वो पढ़ता है। उस 4 साल में ये उम्मीद तो ये की जाती है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, और वो फोकस जहाँ तक बेसिक नॉलेज इंजीनियरिंग के थियरी का है वो मात्र उतना ज़रूर होना चाहिए। आज की शिक्षण प्रणाली में मैं यह कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा गिरावट आई है,
वो गिरावट जो है वो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं केवल थियरी पर, और उसको हमें जहाँ तक उसमें नॉलेज भरना है, जहाँ तक उसके नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिविटी भरना है, वो काम हम जो क्रिएटिविटी का है जिसे हुनर कहते हैं, उसके अंदर एक धधक है, कुछ सीखने की लालसा है, कुछ करने की लालसा है, अब हाथ से करने की लालसा है, वो चीज़ शायद कमी होती चली जा रही, जिससे पूरे हमारे शिक्षण प्रणाली में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना भी चला रखी है, इंजीनियरिंग के लिए भी तमाम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़े हैं, इनोवेशन जो आप नवाचार और अन्वेषण की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी की महत्ता है। तो इन सब उद्देश्यों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का एक अलग ही अपना रोल है, और वो महत्वपूर्ण रोल 1921 से अभी तक चला रहा। हम प्रदेश के प्रेसिडेंट अध्यक्ष होने के नाते हमारे इस प्रदेश में 10 हमारे लोकल संस्थाएं हैं, जो कि आगरा से लेकर के गाजियाबाद, अनपारा, वाराणसी, इधर गोरखपुर, कानपुर, हमारे अलीगढ़, और ये हमारा जो है मेरठ और बरेली, और हमारा अपना स्वतः जो लखनऊ चैप्टर है जो प्रदेश का एक स्टेट सेंटर है। तो इसके अध्यक्ष होने से हमें इतना है कि सब लोगों को जोड़े हुए हैं और सब जुड़े हुए हैं, और आपस के जो नॉलेज सेंटर जिसे हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड पर्सन, वो जुड़े हुए हैं। हम लोग इनके एग्जामिनेशन भी कराते रहते हैं सेक्शन ए बी सी का, और इससे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, उनको और जगह भी भेज भेज करके इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं, हालांकि वो स्वतः कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको एक अपग्रेडेशन मिलता रहता है। जहाँ तक आप यहाँ पर महानिदेशक के पद पर, मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में कार्यरत हूँ, 2009 से मैं यहाँ पर लगा हूँ। मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में एक प्रेरणा जागृत करना, उनमें कैसे अधिक से अधिक क्रिएटिविटी पैदा हो, वो कैसे अपनी जानकारी बढ़ाएं, और ये समाज की सेवा में कैसे लग सकते हों, उसके लिए हम प्रेरित करते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट उनको देते हैं, नई चीज़ें उनको बनाने के लिए एक नए विचार उनके सामने रखते हैं। पूरे विश्व से लेकर, प्रदेश से लेकर के देश और विश्व स्तर पर जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में उनको हम बताते रहते हैं, उस पर समाधान ढूंढने के लिए कोई न कोई प्रयास करने, कोई प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो आज भी, अब मैं बड़े फख्र के साथ कर रहा हूँ कि आज आपसे मुलाकात हो रही है। अभी हमारे कॉलेज के बच्चे जो कि स्टार्टअप AKTU ने स्टार्ट किया है, जिसके साथ परिक्रमा की 13 जगह उन्होंने कराया है, लखनऊ में हम लोगों के यहाँ परिक्रमा 7 हुआ था, जिसमें 2 बच्चे हमारे फर्स्ट और सेकंड प्राइज लाए थे, गोरखपुर में भी गए थे वहाँ भी प्राइज लाए हैं, आगरा गए थे वहाँ, लेकिन टोटल जो बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए थे 40 से 50, उसमें AKTU में अभी पिछले महीने में ही एक कार्यशाला हुई, उस कार्यशाला में जब ये लोग एकत्रित हुए, उनमें एक बच्चे को हमने अब एज ए मेंटर, उसको उसकी आइडिया थी कि देहात के क्षेत्र में हमारे तमाम काऊ डंग या गोबर की ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जो आजकल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं खाद के लिए, तो उसको उस पर क्यों न कुछ काम किया जाए। तो उसको हमने जोड़ा कि बेरोज़गारी से लेकर के रोज़गार भी उत्पन्न होगा, और उसको लेकर के हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के तरफ भी बढ़ेंगे, और उससे ही एनर्जी का भी उत्पादन, मीथेन गैस होगी तो एनर्जी का उत्पादन। और उसने हमारे बच्चे ने, जो हालांकि कंप्यूटर साइंस की है, लेकिन वो अंकिता उपाध्याय आज हमारे 12 चयनित छात्रों में एक वो भी है जो कि 6th पोजीशन पर है, और लखनऊ में अकेली कॉलेज है जो कि इस स्टार्टअप में
उसको 12,000 रुपए का इक्विटी के तरफ से अनुदान दिए जाने का है, और बाकी नोएडा साइड से हैं, गाजियाबाद साइड से हैं, लेकिन इस पूर्वी क्षेत्र से केवल हमारा विद्यालय ही है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ये एक अच्छा प्रयास है, और आपकी जो कोशिश है वो भी एक प्रतिफल के रूप में दिख रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आपने एम्प्लॉयबिलिटी से भी इस बात को जोड़ा है, तो जो आंकड़े बताते हैं वो है कि उत्तर प्रदेश में 18% के आसपास एम्प्लॉयबिलिटी इंजीनियर्स की है प्रतिवर्ष, और देश में ये 12% के आसपास है। इससे आंकड़ों से लगता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि बड़ी तादाद में जो इंजीनियर्स नौकरियों से महरूम हैं या उनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? क्या अवसर नहीं है, या उनके अंदर वो योग्यता विकसित नहीं की जा पा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे संस्थान फेल हो रहे हैं, या हमारी पद्धति में कोई बड़ा सवाल खड़ा है? देखिए, इसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपने जो भी प्रश्न उठाए हैं उसमें, हाँ, ये मानते हैं कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अभी जिस लेवल पर उनके पास प्रयोगशाला होनी चाहिए उस लेवल की प्रयोगशाला नहीं, जिस लेवल पर हम चाहते हैं कि शिक्षा उनको दिया जाए संभवतः वो भी उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारे तमाम कॉलेज ऐसे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उस अच्छे परफॉर्म करने से बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। और उनको देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने के लिए हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत अधिक आते हैं, तो उनकी सबसे समस्या होती है कि वो सॉफ्ट स्किल, वो इंग्लिश कैसे बोलें, उनको कैसे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, वो बॉडी लैंग्वेज कैसे हो। तो हम लोगों ने इसमें एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांस प्रोग्राम रेगुलर कर रखा है हमारे कॉलेज में, तो उससे बच्चे अच्छे उसमें ट्रेंड हो जाते हैं, वो लॉजिकल एंड पर भी उनके हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो जहाँ तक नॉलेज का है, क्रिएटिविटी एक तरफ, तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने दे रखा है, इनोवेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे यहाँ सीवी रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन एक है, जो कि शायद इस प्रदेश में एक अलग एक पहल क्रिएट किए हुए है, जो 2011 में उस समय के कुलपति महोदय से उद्घाटन कराया। इसी बीच में हम लोगों ने 2015 में वैदिक साइंस सेंटर का भी क्रिएशन कराया। तो बच्चों को हमने एक यहाँ पर एक माहौल, एक प्लेटफार्म उनको क्रिएट करा है। ऐसी शिक्षण संस्थाओं में लोगों को चाहिए। हमने तो माननीय कुलपति महोदय से एक बार आग्रह किया था कि लैब देखनी हो कुछ विद्यालयों में चलें, जिसमें हमारा भी विद्यालय अग्रणी है, तो क्यों नहीं कुछ विद्यालय जो उस लेवल पर नहीं है, जहाँ जहाँ लैब अच्छी हैं, उन विद्यालयों के बच्चों को उस दूसरे कॉलेज में मुहैया कराया जाए, उनको दिखाया जाए, उनसे वहाँ कार्य कराया जाए। तो इसमें एक प्रेरणा बच्चों में आएगी और बच्चे आगे निकलेंगे। हम प्रदेश में जहाँ तक ये रोज़गार की बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए समित की है, तमाम हमारे लोग यहाँ फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। हाँ, एस सी एल एक फैक्ट्री अभी इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर ये खोला है, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उस समय उनकी बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने साल भर उसको चलाया और हम लोगों ने उनको सुविधाएँ प्रदान की थी। तो ये सब चीज़ें जुड़ करके देखा जाए तो प्रदेश आगे बढ़ने के राह पर है, और आगे देश में एक जहाँ तक पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया की बात है, बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और बिहार और मध्य प्रदेश ये बड़े में आए, जिसमें सबसे ज़्यादा तो 22 करोड़ की आबादी तो यही है। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ के यहाँ संभावनाएँ प्रबल हैं, केवल एक दिशा देने की बात है, एक सोच की बात है। हमारे इसमें सरकार से अनुरोध है कि इस बात पर चीज़ें आगे तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, और बढ़ रहा है।
भरत जी, एक प्रश्न यहाँ पर आता है, चूँकि आपने प्रेरणा की बात कही है, जो प्राथमिक शिक्षा है या बेसिक एजुकेशन है और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत से एग्जीबिशंस लग रही हैं, बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर एक मॉडल डेवलप हो रहा है कि बच्चों को स्वप्रेरणा के बजाय वो रेडीमेड खिलौनों को जोड़ करके और उनके मॉडल तैयार करके कोरम पूरा करने की जो पद्धति है, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हमने ये देखा है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है जो बच्चों को प्रेरित करने के बजाय एक झूठा दिखावा। तो इससे नवाचार कैसे होगा, स्किल डेवलप कैसे होगी? स्किल डेवलपमेंट के मामले में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पैमाने पर बच्चों के केवल दाखिले तो किए जा रहे हैं, बट उनकी स्किल के डेवलपमेंट के लिए जो सेंटर्स हैं वो एक झूठा सिस्टम चला रहे हैं, ये कितना ख़तरनाक है? देखिए, जहाँ तक बात जोड़ तोड़ की है, तोड़ और जोड़ की बात है, देखिए ये एक प्रूवन है कि किसी चीज़ को अगर बच्चे में एक स्किल डेवलप करें कि वो उसको देख करके, सो समझ करके कोई नई चीज़ अगर टूटे फूटे चीज़ों से स्क्रैप से बना रहा है, तो ये भी एक प्रेरणा ही है और एक जागृत है। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है कि ये दिखावा, तो ये देखिए कहीं ना कहीं कॉलेज में होड़ तो आपस में लगी हुई है। कुछ कॉलेज इसमें अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं समाज के उत्थान में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि बच्चे ही समाज के भविष्य हैं, वही देश के प्रहरी, आगे आने वाले प्रहरी हैं। तो उनको हम जितना आगे बढ़ाने के लिए मौका देंगे, जितना उनको प्रेरित करेंगे, जितने उनमें नॉलेज गेन करेंगे, जितने उनको सोचने का मौका देंगे, जितनी क्रिएटिविटी उनमें नवाचार की डेवलप करेंगे, उनको तो प्रश्न ये होना चाहिए कि हमें जहाँ तक का समझ में आती है, हमारे यहाँ भी कुछ बच्चों ने स्क्रैप से तमाम चीज़ें डेवलप की और लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्यों उनको एक क्रिएटिविटी का एक मूल मंत्र ये देना चाहिए कि कोई न कोई आज के चैलेंजेस पर वो चीज़ सामने दे देनी चाहिए। आज जैसे हमें देखा जाए तो पूरा पर्यावरण संरक्षण की बात है, तो ऐसे चैलेंज दें कि उसमें हमें एनर्जी जो यूज़ हो रही है, जिसका दोहन हम ज़मीन से कर करके नष्ट कर रहे हैं और प्रदूषण इतना ज़्यादा पैदा कर दिए हैं, वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई, मेन वो स्रोत है। दूसरा है कि हमारा इंडस्ट्रीज़ दो हैं जो 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, बाकी तो मेडिकल और ये सब सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट और सड़क कंस्ट्रक्शन ये अलग है जो बच्चे में आते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को उनके लिए जागृत करें, छोटी छोटी चीज़ें योजनाएँ दें, सड़क बनाना है, पॉलीथीन को कैसे रीयूज़ कहाँ से करें किसी चीज़ को, तो ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो इस समय के चैलेंज है, जो आने वाली जनरेशन पर विपत्ति आने वाली है, उस पर अगर कार्य करें तो ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनमें एक पोटेंशियल है, नॉलेज उनके जागृत, उनको एक सीखने की लालसा रहती है। अब हम आप छोटा सा उदाहरण दें कि हम ये कहना चाहेंगे, बड़े फख्र से कहना चाहते हैं कि हमें इसी 2015 के आसपास भारत सरकार ने एक 2025 की योजना ट्रांसपोर्ट और फ्यूल की भारत सरकार ने तैयार की है, उसमें कुछ उत्तर प्रदेश को भी आया था मौका कि उस पर कमेंट दिया जाए, वो 5-7 साल से तैयार किया जा रहा, वो बाय द वे हमारे चेयरमैन साहब के माध्यम से जो फूड कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाईज में जॉइंट कमिश्नर रहे, तो उनके पास आ गई कि उस पर कुछ कमेंट दीजिए, और वो हमारे पास आ गया। हमने दो चीज़ें उसमें बताई थी, केवल ये कहा था कि अगर हम पूरे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, डिग्री कॉलेजेस जितने हैं, उस पर अगर रूफ टॉप सोलर लगा लें तो हमारी इसी से कितनी बड़ी बिजली की समस्या कितनी दूर हो जाती है, और इनको रूफ टॉप पड़ा हुआ उनको कॉलेजेस में उनकी जो बिजली की आवश्यकता वो भी पूर्ण हो जाएगी, और उसके बाद भी बचता है वो हमारे ग्रेड में चली जाएगी। तो इस पर हमने देखा कि इतना फास्ट एक्ट हुआ, करीब 4-5 महीने के अंदर भारत सरकार ने इस पर निर्णय ले लिया, तुरंत सारे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जितने भी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, सब में रूफटॉप के उनकी आंकड़े मांगे गए और इस पर ये हुआ कि आप लोग लगवाइए, ये होता है। दूसरा हमने कहा था जैसे CNG, PNG ये सब है, आज हम
पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जगह इन गैसेस को अगर यूज़ करेंगे तो हमारा कंट्रोल धीरे धीरे अगर ये प्रदूषण कम होगा, जो अभी हमें देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियों से प्रदूषण बढ़ रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जहाँ तक हो यूज़ करें। तो बच्चे हमारे प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, इस टाइप के सोलर साइकिल भी बनाए हुए हैं, सोलर कार भी बनाए हुए हैं, और हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं तत्कालीन भी प्रणब मुखर्जी जी ने देखा हमारे बच्चों के उसको, और उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी 2013 में VVAU में, आप उसमें अब भी सम्मिलित थे। और अभी अभी रामनाथ कोविंद जी पिछले ही वर्ष 15 दिसंबर को, और देखा है बहुत ही उन्होंने सराहना की। तो मेरा मानना यह है कि हमें केवल अग्रसर होने की ज़रूरत है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे कुलपति महोदय जैसा लगन से काम कर रहे हैं, और वो अगर इन सब चीज़ों को जोड़ दें, हमारे इस समय तो बहुत ही आशुतोष माननीय प्राविधिक मंत्री हैं, प्राविधिक शिक्षा के, और वो आशुतोष टंडन जी वो भी इस पर काफ़ी चेष्टा कर रहे हैं, और हमारे ख्याल से आने वाला समय बेहतर होगा। भरत जी, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने पर्यावरण की बात की है और आपका बहुत महत्वपूर्ण इस पर रिसर्च भी है, और आपने इसमें बहुत सारे ऐसी फोरकास्टिंग भी की है और तथ्य के आधार पर की है, और आपके ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर किए गए शोध दुनिया के दूसरे देशों में भी मुख्य धारा में उपयोग किए जा रहे हैं, इस विषय पर चिंता कम है? और चूँकि एक इंजीनियर होने के नाते आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, और एक मैकेनिकल इंजीनियर का दोष भी आपने कहा कि उसी ने जितने भी इस तरह के शोध किए हो उनका भुगतान भी हम भुगत रहे हैं, एक इंजीनियर अगर परिवर्तन करता है तो कितना बड़ा परिवर्तन समाज के लिए वो कर सकता है, ये स्वयं में आपने अनुभव किया है। तो आज समाज में जो ऐसे इंजीनियर्स हैं उनका जो स्वरूप दूसरे तरह का भी देखने को मिल रहा है, और एक ऐसा भावना बन रही है कि जैसे इंजीनियर्स लूट के लिए एक कॉकस को बनाने वाले सूत्रधार की भूमिका में है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर इंजीनियर्स क्या कोई भी सामाजिक का समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सेवा में लगा हुआ, उसको डाइवर्स इशू पर अगर लगाते हैं, उसको हम समाज से, उसका मूल उद्देश्य समाज की सेवा होता है, हम अगर डाइवर्स इशू पर जाते हैं तो ये एक व्यक्ति का स्वरूप होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में बड़ी गिरावट आ गई है, और उस जो संस्कृति हमारी थी उसमें इस गिरावट के वजह से लोगों में परिवर्तन आता है। लेकिन आज भी अगर हमारी शिक्षण प्रणाली को हम मूलतः अपने जैसे, पहले तो गुरुकुल थी, गुरुकुल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि हमारी अच्छी जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ है, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे जिस तरह की शिक्षा हो, और वो शिक्षा में ये तत्व, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की होनी चाहिए कि हमारा महत्व क्या है, हम कैसे सामाजिक उत्थान के लिए जुड़ सकते हैं, तो उसका दायित्व तो रहता है, तो हमेशा काम करता है, ऐसा हमारा अपना सोच है, और वो पूर्णतः आगे बढ़ता है। अब रही बात दूसरी बात जो आपने पूछी पर्यावरण की, हाँ, ये एक चिंतन होता है। हम सर्विस 33 साल गवर्नमेंट की सर्विस भारत सरकार और प्रदेश सरकार की किए, और हमेशा ये चिंतन रहता था कि कोई भी परियोजना मिलती है सामाजिक, इसमें कैसे हम इसको समाज में इस परियोजना को डालें जिससे लाभ हो। पहली चीज़ होती है कास्ट कैसे कंट्रोल किया जाए, क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, तीसरा है कि समय को कैसे हम समयबद्ध रूप से काम करें या पहले जो समय है उसमें बचा लें। कई परियोजनाओं पर मैंने देखा कि 48 महीने की परियोजना, 60 साल की परियोजना थी, जिसमें थोड़े से प्रयास से, हाँ उसमें कष्ट होता है, आप तीनों उसमें आप शिफ्ट में काम करना पड़ता है, लेकिन वो किसने मना किया है? अगर आज समाज में कुछ उत्थान की प्रवृत्ति आप में है, लगन है, आप इसमें किसी ने मना नहीं किया है, तो अगर आप करके उसको आप बचा देते हैं और उस समय को बचा दें, कोई योजना 3 साल पहले चालू हो जाए, आप सोचिए कितना बड़ा लाभ होता है, कितना बड़ा उसमें कास्ट कट होता है, क्वालिटी से आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं,
छोटी छोटी हैं जो इंजीनियरिंग सेक्शन कर सकता है, तो ऐसे प्रयास किए जाएं। और हमने तो देखा पर्यावरण ऐसी समस्या जो मूलतः आपने प्रश्न उठाया कि हमारे, देखिए शोध का कार्य है कोई नई चीज़ का अन्वेषण करना, नवाचार या उसको इनोवेट कर देना, या उसको हम कैसे इम्प्रोमाइज़ कर दें है वो अच्छे से काम करने, और ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे, तीन वर्ड हैं। तो हमने देखा कि हमारे आने वाली समस्या क्या है, अगर हम आने वाली समस्या के साथ देश और पूरे विश्व की समस्या के साथ जुड़ते हैं, हमारे ख्याल से आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। और इसी को दिमाग में रखते हुए हमने क्या किया कि ये देखा कि अगर पृथ्वी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही, उसमें गर्मी बढ़ रही है, तो उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या है? कारण जनसंख्या वृद्धि, कारण औद्योगिकरण, कारण आपकी आवश्यकताओं में वृद्धि। तो कोई भी आदमी है, वाहन चाहिए उसको मूवमेंट के लिए, कोई भी चीज़ें हैं, औद्योगिकरण उसी से बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। लेकिन उसको हम अगर ये देखें कि हम नेचर को खराब करते हुए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। आज परिस्थिति ये हो गई, मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं किसी को ज्ञान नहीं था। एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए मैं देखता हूँ कि पूरे चांद और मार्स, मंगल ग्रह पर तो लोग पहुँच गए, रॉकेट भी बना, सारी चीज़ें हुई, लोग जा करके वहाँ सारी चीज़ खोज भी रहे हैं, बहुत बड़ा वर्क किया, इसको प्रशंसा के पात्र। लेकिन हमने पहले तो जेम्स वाट ने देखा कि एनर्जी जो है किसी हीट कर दिए, स्टीम बन जाए उससे होता, चलिए इंजन बन गया, लेकिन कोयले से चलता था स्टीम बनाने के लिए। चीज़ें ये हुई कि अब बीच में ऑटो आ गए, ऑटो ने देखा कि भाई किसी चीज़ को ज्वलनशील पदार्थ को अगर लगा दो तो उसमें ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, वेस्टेज कम होता है, उन्होंने उसको कर दिया। क्या ये चीज़ें आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी? मेरा प्रश्न ये उठता है, क्या हम 150 साल 200 साल एक ही इंजीनियरिंग और एक ही सिस्टम पर चलेंगे? क्या ये इसमें टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं होना चाहिए था? ये प्रश्न मेरा था जिस पर हमने कोशिश की है, और कोशिश में ये प्रयास किया जो कि हम जाके अमेरिका में भी मैंने बातचीत की कि हम एक नए दिशा की तरफ चाहते हैं, नया कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। और हमारे प्रयास में ये हुआ कि मैंने 0 पॉल्यूशन इंजन तैयार कर दिया जो विश्व में माना गया, और वो इंजन हवा से, प्रेशराइज हवा से चलता है। और प्रेशराइज हवा, प्रश्न ये उठता है कि वो भी आपको बिजली चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी क्यों नहीं, विंड एनर्जी क्यों नहीं, हम जैसे घरों में वाटर टैंक लगाते हैं, हम क्यों नहीं अपने घरों में एनर्जी टैंक बना लें, रोज़ ट्रेडमिल की तरीके से साइकिल चलाएँ और कंप्रेशर से हवा ऊर्जा उसमें डाल दें, विंड एनर्जी से कोई विंड मिल चल रही है उससे आ जाए, सोलर से कंप्रेशर चले उससे आ जाए, तो हम पूरे सिस्टम को, फैन को भी उसी एयर एनर्जी से चलाएं, तो ये सब चीज़ें संभव हैं। और हमने इसको एक मूर्त रूप दिया, और वो फक्र है मुझे, तो देश ने एक नई चीज़ डेवलप की और उसकी पहचान हुई, और US ने उसकी पहचान पूरे विश्व में फैलाई, और वो 0 पॉल्यूशन इंजन तैयार है। और उसका छोटा सा रूप हमारे बच्चों ने किया कि उसको मोटरसाइकिल बनाया, उस मोटरसाइकिल की तरफ हमने इसलिए ध्यान दिया कि सबसे पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली जो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ सारे 85% अभी भी 2-व्हील्ड 3-व्हील्ड व्हीकल्स ही हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उसमें अगर हम इन सब चीज़ों का प्रयोग कर दें तो हमारा 50% हम तो ग्लोबल वार्मिंग के जो कंट्रीब्यूटर ये फैक्टर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसको हम रोक सकते हैं। अभर जी, इस टेक्नोलॉजी के विस्तार को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ
बहुत बड़े पैमाने पर हमने देखा इसके पहले जो एग्जीबिशंस लगी हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे अन्वेषण किए हैं, ऐसे नई नई तकनीकें ईजाद की हैं, लेकिन उनको सही मंच नहीं मिल पाता। जबकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी फौज है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ लेबोरेटरीज भी हैं, संसाधन भी हैं, लेकिन उनको सही अवसर नहीं मिलता और जो वास्तविक काम कर रहे हैं, और हमारे जो इंजीनियर्स पढ़ के निकल रहे हैं उनको मोटिवेशन उतना नहीं मिल पा रहा है। आप जैसी प्रेरणा दे रहे हैं वैसे भी लोग हैं लेकिन उनकी मात्रा तादाद बहुत कम है, जिसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे इनोवेशन को बढ़ाने के लिए दो तीन बातें आपने कही हैं, लेकिन बड़े आमूलचूल परिवर्तन की क्या आवश्यकता है जो पूरा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े बदलाव के रूप में सुझाव दे सकते हैं, या ऐसे नियमों को बनाने वाले लोगों को कोई अपने अनुभव आप साझा कर सकते हैं? नहीं, मेरा तो ये है कि जो वर्तमान शिक्षण प्रणाली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। हम अपने पुराने जो वैदिक पीरियड कह लें, एंशियंट डेज को याद करें तो हम गुरुकुल की तरफ थे। आज भी हमारी कुछ शिक्षण प्रणाली जो सैनिक विद्यालय है और चीज़ें हैं, अभी पीवी सिंधु का मैंने देखा एग्जांपल, गोपी चंद ने देखा कि नहीं मोबाइल नहीं यूज़ करना। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें केवल गुरु और शिष्य, उसको समाज के साथ क्या दिक्कतें हैं उस पर विशेष फोकस करके उसको आगे तैयार करता है। तो हमारी शिक्षण प्रणाली में बेसिक नॉलेज के साथ हमें फोकस समाज की ज़रूरतों के साथ होना चाहिए। समाज में इस समय परिवर्तन में क्या ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म परिवर्तन में क्या ज़रूरत है, उस पर अगर फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेगा। केवल हमें उसको व्यापारिक शिक्षा का रूप नहीं देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। संस्कार के साथ अगर हम शिक्षा को जोड़ेंगे, आवश्यकता के साथ जोड़ेंगे, तो आगे बहुत चेंजेस आ सकते हैं। रह गई है कि हमारी शिक्षण प्रणाली जो नीचे से चल रही है, वो बेसिक शिक्षण प्रणाली को हमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। वहाँ से होगा तो आगे आगे बढ़ेगा। दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि जब हम शिक्षण प्रणाली की बात करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण अंग प्रोफेसर्स भी हैं, जिनको तैयार करने की प्रक्रिया भी में भी बहुत सारे दोष आ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी भी गिरावट आई है। और अब AKTU का उदाहरण लें तो बड़े पैमाने पर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस सामने आए जहाँ पर फर्जी प्रोफेसर्स या ऐसे लोग जो योग्य नहीं थे या मानकों को पूरा नहीं करते, लेकिन कोरम पूरा करने के लिए उनके नाम बतौर प्रोफेसर दर्ज हैं और वो लगातार ऐसी डिग्रियां बांटने की फैक्ट्री बन गए हैं जहां से जो बच्चे निकलेंगे वो भविष्य के लिए और बड़ा संकट बन रहे हैं। ये कितना खतरनाक ट्रेंड है और इसमें परिवर्तन के लिए या इसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस को या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कितनी तेज़ी से रोक लगानी चाहिए? नहीं, मेरा इसमें सुझाव केवल इतना ही है कि देखिए, हमारे सेंट्रल बॉडीज बनी हुई हैं, UGC भी है, AICTE है, इन लोगों को थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। और जहाँ तक के एक नियम बनाए हुए हैं कि भाई आपके इनटेक, आपके कितने एडमिशंस आपने सेंक्शन कराए हैं, अगर वो संख्या नहीं भर रही है तो जो संख्या भर रही है उसके अनुपात में ही टीचर्स की उनको सेंक्शन देनी चाहिए। इस पर सेंक्शन नहीं होना चाहिए कि कितना आपका इनटेक है, कितने आपके एडमिशन हो सकते हैं, कितना हुआ है उस पर अगर फोकस किया जाए कि टीचर्स को, तो नेचुरल है कि इसमें लोगों को गलत तरीके से टीचर दिखाने की ज़रूरत नहीं है या गलत टीचर को वहाँ नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है और इस पर नियमतः एक बड़ा वो प्लेटफार्म पर इस पर डिबेट होने की ज़रूरत है, तब जा कर के इस पर कोई ना कोई निर्णायक स्थिति आएगी। यानी कि आप मानते हैं कि समाज में भी और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर भी, जो नीति निर्माता हैं उनको भी और जो निगहवान हैं, जो नियामक इकाइयाँ हैं, उनको भी बहुत गहन चिंतन करके अपने अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। और आगे जो भविष्य है इंजीनियरिंग का या हमारे देश में इंजीनियरिंग शिक्षा का, या हमारे यहाँ जो नवाचार के प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो सरकार के प्रयास हों, चाहे इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हों, सोसाइटी में भी बहुत से ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि हमारे भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, उसमें आपकी दृष्टि क्या देखती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर या पर्यावरण के परिवर्तन को लेकर या बहुत सारे और जो परिवर्तन दिख रहे हैं उनमें, तो आप एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर, एक इंजीनियर के तौर पर और साथ में एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर? मैं तो ये देखता हूँ कि देखिए, नवाचार को आगे बढ़ाना है और उसको बढ़ाने के लिए एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है,
जो जैसा आपने बताया जो देहात में भी है, कोई भी कृषक भी अपना कोई न कोई चीज़ कर लेता है, तो इसके लिए अलग हमें शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके ये नहीं है, उनके कार्य को अपने में डाल लेना चाहिए, उनको पेटेंट लायक है पेटेंट भी कराना चाहिए, या उनके जो भी विचार हैं जैसे भी उन्होंने चाहे उसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उन्होंने उसमें परिवर्तन लाया, उस परिवर्तन को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे देश विकसित होगा। दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर, पढ़े लिखे लोगों का समाज, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, यूनिवर्सिटीज़ हुई, मेडिकल कॉलेजेस हुए, बायोटेक हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जो वो विचार रखते हैं उनको आगे बढ़ाने का। तो दोनों सेक्टर को हमें पैरेलल देखना पड़ेगा, इसमें आगे अग्रणी होने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहे रिटायर्ड पर्सन्स हो वो आगे बढ़ें और उनको आगे तक पहुँचाएँ, क्योंकि एक रास्ता दिखाने की बात है। रास्ता दिखाने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर तो हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए रास्ते के लिए गवर्नमेंट को लगा दो वो नहीं, उतना सक्षम नहीं। उसमें हमें ये चाहिए कि समाज सेवी लोग, समाज सेवी वही हो सकता है जो एक स्थिति पर वो पहुंच चुका है और उसको समाज को बांटने की ज़रूरत है, लेने समाज से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान देना चाहिए और ऐसे कर्मठ और ऐसे जिसमें आपको झलक दिखती है कि उनको कुछ करने की जज्बा है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर होने के बावजूद आपने वैदिक विज्ञान की तरफ ज़्यादा झांका और वहाँ से बहुत से ऐसे तथ्यों को आपने उद्घाटित किया है और ऐसी तमाम आप अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो विज्ञान से जुड़े हुए चाहे अन्वेषक हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों या इंजीनियर्स हों, उनको ऐसा खजाना जो हमारे परंपरा में है वहाँ से और क्या मिल सकता है, चूँकि आप उसमें गए हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकते हैं कि उनको अपने नियमित जो अभियान हैं उसमें कैसे दृष्टि रखनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत ही फख्र से कहता हूँ कि हम इस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस ने वैदिक साइंस सेंटर भी 2015 में खोला और उसमें बेसिक यही था कि हम योग से लेकर के हम प्रार्थना क्यों करते हैं, योग से लेकर के आगे अनकवर्ड साइंस जो कि अंदर दबी हुई है किताबों में, हमारे ग्रंथ जो हैं तमाम चीज़ें उसमें हैं, अगर पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें साइंस की झलक आती है, चाहे पुष्पक विमान हो, चाहे उसको कह दें कि हमारे तीर कमान जिससे तमाम बाण आज उसको मिसाइल, हाँ मिसाइल का रूप कहते हैं, तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं विज्ञान आगे था, ये कि केवल कल्पना मात्र नहीं थी। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है, लोग इस पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और सोच यह है, अभी हम लोगों ने कुछ खोज भी कर ली है, पाताल लोक की खोज कर ली है, मनिका जो रुद्राक्ष और उसमें मनिका क्यों होती है इस पर खोज कर ली है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। निरंतर हम लोग योग पर लेखन भी काम कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ पर, बच्चों और टीचर को ये हर शनिवार को यहाँ हम लोग योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, सारे इसमें कराते हैं, प्रेयर हमारे यहाँ हमारे उसका टाइम टेबल का एक पार्ट हो गया, 10 मिनट हम प्रेयर सभी फ्लोर पर कराते हैं, एनर्जी उससे क्रिएट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और बच्चे फुल्लित रहते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, उनको थकान नहीं आती। ये कार्य कर रहे हैं, अनकवर्ड है बहुत साइंस, उसको हम लोग वापस कहीं किसी हद तक लाना चाह रहे हैं और लोगों में प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि ऐसी भी चीज़ें जो हैं उसको आगे बढ़ाई जाए। भारत अपने में बहुत महान रहा है और उसको आगे जिस तरीके से हम टार्च लेके लोगों को दिशा दिए हुए हैं, आगे भी हम दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और न्यूज़ टाइम्स डॉक्टर भरत राज सिंह के तमाम अनकवर्ड या कवर्ड जो पहलू हैं उनको भी हम अलग अंकों में आपके सामने लाएंगे और निश्चित रूप से आपको भी प्रेरणा मिलेगी और ऐसे तमाम हमारे देश में विशेषज्ञ हैं, पुरोधा हैं, जो छोटे छोटे विषयों को बहुत गहराई से चिंतन मनन करने के बाद उनको समाज हित में सामने लाते हैं और उसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि न्यूज़ टाइम्स ऐसे विषयों को और सामने लाए और आप जैसे समाज के लोग हैं उनको प्रेरित भी करें।
आशा है कि इंजीनियर्स भी, प्रोफेसर्स भी, साइंटिस्ट भी और ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं का संचालन करने वाले भी प्रेरणा लेंगे और इसमें परिवर्तनकारी प्रयास करेंगे जिससे हमारे समाज में सही दिशा में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। दीजिए मुझे इजाज़त और साथ में देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।